काफिर है साला, उसे कुछ नहीं पता। बात हमारी कौम की है, तुम्हारी और मेरी कौम की, हमारे भाई बहनों की, हमारे घर की, हमारे हक की बात है। हम साथ रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका में, लंदन में घुस के मारा ना हमने, कोई रोक सका? बस हिंदुस्तान में आके गलती कर दी। एक आम आदमी की थोड़ी सी हिल गई और वो तुम लोगों को रोक ही नहीं रहा है, ठोक भी रहा है। मरने से हम मौत का खौफ नहीं है हमें। हम जिंदा क्यों हैं? एक मकसद के लिए, और उसके रास्ते में अगर जान जाती है तो जाए, सुभान अल्लाह। लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं ताकि ये लड़ाई जारी रहे, और हमारी कौम की, हमारे भाई बहनों की, हमारे घर की। तू मुस्कुरा रहा है? मौत की गोद में अकड़ कम होती दिख रही है। यह सब एक एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट ही है सर। मुझे इस एक्सीडेंट की डिटेल्ड रिपोर्ट कल सुबह मिलनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। मिल जाएगी सर। सर, हेड्स। उसने मुझे अपना नाम बताया, लेकिन मैं वो नाम किसी को नहीं बता सकता। इंसान नाम में मजहब ढूंढ लेता है। हम सब जानते थे कि आम आदमी परेशान है इन सब चीजों से, लेकिन एक आम आदमी ये रास्ता भी ले सकता है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। वन कॉमन मैन हैड द गट्स। ये वाकया, ये केस किसी भी फाइल में दर्ज नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस जहन में है मेरे और उन कुछ लोगों के जो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन गए। सही या गलत पता नहीं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग जो भी था अच्छा था। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।